प्रणधार सुंदर साज। प्रायः देखा जाता है जब हम कहीं जा रहे होते हैं, हम जिस वाहन में बैठे होते हैं वो वाहन किसी ट्रक से या बड़ी गाड़ी से टकरा जाता है, हमें कुछ नहीं होता। ऐसा भी होता है कि ट्रक पलट जाए और हमारी छोटी सी कार सुरक्षित रह जाती है। हमारी आस्था और विश्वास यही कहते हैं कि देखा राज्य की कितनी बड़ी मेहर है कि कार ट्रक से टकराई और ट्रक पलट गया। ऐसी घटना तो प्रत्यक्ष रूप में देखने में भी आती है। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के शुभारंभ का समय था, अभी ज्ञानपीठ की स्थापना नहीं हुई थी। अपने ट्रस्ट के कई सदस्य दिल्ली से कार से चले थे और ट्रकों के घेरे में आ गए। आगे भी ट्रक, पीछे भी ट्रक, पीछे से भी ट्रक ने टक्कर मारी और आगे से भी। परिणाम यह हुआ, माल से भरा हुआ ट्रक जमीन पर गिर पड़ा। लोगों को आश्चर्य बहुत हुआ। सुंदर साज को भी ऐसा लगा कि आज तो हमें बचना नहीं चाहिए था, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ, सब सुरक्षित रहे। कार को हल्की सी चोट लगी थी, नुकसान हुआ था कार में कुछ सा, लेकिन सामान्य सब केवल बॉडी क्षतिग्रस्त हुई थी। आप सोचिए इससे बड़ा प्रत्यक्ष चमत्कार और क्या होगा। ऐसी लीलाएं बहुत सी देखने में आती हैं। ब्रज में प्रत्यक्ष रूप से कितनी घटनाएं हुई, किंतु नींद का ब्रह्मांड था, नींद की लीला थी। तारतम्य वाणी का प्रकाश न होने से किसी को यह पहचान नहीं हो पाई कि इंद्रकूप के समय कौन हमारी रक्षा कर रहा है, अघासुर बकासुर से कौन हमारी रक्षा कर रहा है, पुतना से कौन बचा रहा है। हर पल राजी रहे, लेकिन तारतम्य ज्ञान की दृष्टि न होने से सब पर एक आवरण पड़ा रहा माया का। जागनी ब्रह्मांड में भी बहुत सी लीलाएं हुई हैं। आप देखेंगे कि सदगुरु धनी सिंह देवचंद जी के तन से कितनी आड़ी का लीलाएं हुई, और सुंदर साथ अपनी आंखों से देखता था, उन आड़ी का लीलाओं का रसमान भी करता था। जब चाहे तब यमुना जी में स्नान कर लिया, श्री राज जी श्री कृष्ण जी के रूप में प्रकट होकर सब सुंदर साथ के साथ भोजन करते थे और बताते थे कि आज भोजन का स्वाद कैसा है। सोने की कसेड़ी भी देते थे। लील भाई के देह त्याग के समय सब उनकी इच्छा पूरी करने के लिए राज जी ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन भी दिया। ये सारी लीलाएं हुई, हम इसको बातिनी लीला भी कह सकते हैं। यदि ट्रक और कार की टक्कर में हम सुरक्षित बच जाते हैं तो इसको हम जाहिरी लीला के रूप में मान सकते हैं, किंतु यदि राज जी प्रतिदिन दर्शन दें, आप देखेंगे कि लक्ष्मीदास जी को भी कई दिनों तक दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे तन के द्वारा ही मैं सकुमार की आत्मा को जागृत करूंगा, इसको जाहिरी लीला तो नहीं कह सकते, बातिनी लीला ही है एक तरह से, क्योंकि इसमें कोई चमत्कार नहीं दिख रहा है, कोई धन संपदा की प्राप्ति नहीं है। हम अचानक कंगाल से करोड़पति बन जाते हैं तो हम तो डंके की चोट पर कहेंगे कि जाहिरी लीला है, राज जी ने जाहिरी लीला की है कि हमें करोड़पति बना दिया, हमें मिनिस्टर बना दिया है। किंतु यदि राज जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दें और कहें कि तुम्हारे तन से मैं सकुमार की आत्मा को जागृत करूंगा, तो लीला का अंग है यह, लेकिन हम इसको बातिनी लीला में ही रखने का प्रयास करते हैं। किंतु सागर की यह चौपाई बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डाल रही है। श्री महामत कहे रूहों हक की, श्री महामत कहे मेहर हक की, रूहों आवे एक नजर। अर्थात अक्षरातीत की मेहर को एक बार भी ब्रह्म सृष्टि देख ले, समझ ले, जान जाए, तो परिणाम क्या होगा, तो तभी रात को मिट के जाहिर करे फजर। तो प्रश्न यह होता है कि क्या हमने राज्य की मेहर को देखा ही नहीं। आप अभी तक में ये प्रसंग देखते हैं कि धारा भाई जब चर्चा करते हैं तो वहाँ भी राज्य का आवेश आने लगता है और सुंदर साथ को दर्शन भी होने लगते हैं।
इससे बड़ी बातिनी मेहर और क्या होगी। धाराभाई देखा जाए तो पूर्ण रूप से जागृत नहीं माने जा सकते, क्योंकि उनको खुद दर्शन नहीं हुआ है युगल स्वरूप का, और वो अंतोगत्वा बिहारी जी महाराज के द्वारा समाज से बहिष्कृत भी किए जाते हैं, श्री जी के चरण में आते हैं, श्री जी अपनी चरणों की छत्रछाया में लेते हैं, और धाराभाई पत्रियां पहुंचाने की कठोर सेवा करते हैं। इतना होते हुए भी जब धाराभाई चर्चा करते हैं तो सुंदर साहब को उनमें राज्य के आवेश की झलक मिलती है, राज्य का दर्शन होने लगता है, ये प्रत्यक्ष लीला होती है। किंतु न धाराभाई को पूर्ण रूप से उस मेहर की पहचान है, न सुंदर साहब को पहचान है। लीला करने वाले वही हैं, लेकिन लीला करने वाले की पहचान न होना सबसे बड़ी हंसी का कारण बन जाता है। देवचंद जी के तन से जब राज्य लीला कर रहे होते हैं तो सुंदर साहब किसकी पहचान करते हैं? कृष्ण जी की। देवचंद जी के अंदर बैठे हुए स्वरूप की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तो हम सेवा पूजा में गाते हैं, तुम स्वरूप तुम मेय स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रसरंग। तुम स्वरूप मेरे प्राणेश्वर, आप किसके स्वरूप हैं? राज्य के स्वरूप। तुम स्वरूप तुम मेय स्वरूप, आपके धाम हृदय में कौन विराजमान है? राज्य का स्वरूप। तुम स्वरूप के संग देवचंद जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है, राज्य भी और श्यामा जी। तो सदगुरु स्थिति में हम ये गाते तो हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि जब देवचंद जी के तन से आड़ी का लीला राज्य कर रहे हैं तो ये करने वाला स्वरूप कौन सा है। हम क्यों ब्रज वाले स्वरूप पर चले जाते हैं, हम ब्रज वाले स्वरूप का आकार ले लेते हैं। राज्य जो देवचंद जी के तन में राज्य का आवेश स्वरूप विराजमान है, वो ब्रज वाला स्वरूप कभी ले की आकृति में दर्शन दे रहा है, कभी रास वाले स्वरूप की आकृति में दर्शन दे रहा है, और सुंदर साथ यही भ्रमित हो जा रहे हैं कि ये तो ब्रज वाले कृष्ण जी हैं या रास वाले कृष्ण जी हैं। तभी तो इंद्रावती जी ने कहा है कि पोते प्रगट पधारिया छो आड़ा देव छो ब्रज ने रास, इंद्रावती सुंतर का किंतु मुने तेनों देव जवाब। आपने मुझसे ये भेद क्यों छिपाया, आप साक्षात युगल स्वरूप के रूप में मेरे सामने पधारे हैं, लेकिन मुझसे कहते हैं कि ब्रज और राज की लीलाओं को देखो। ब्रज और राज की लीलाओं को करने वाले आप हैं, और आप साक्षात युगल स्वरूप से श्री देवचंद जी के तन में मुझे मिले हैं, तो मैं प्रत्यक्ष हाथ कंगन को आरसी क्या, इसलिए मैं आपके स्वरूप को छोड़कर और किसकी शरण में जाऊं। सबसे बड़ी हास्यास्पद बात क्या होती है, जब वही स्वरूप श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होता है तो भी सुंदर साथ की आंखों पर भ्रम का एक पर्दा पड़ा रहता है। वाणी में स्पष्ट रूप से इस तथ्य को दर्शाया गया है, प्रकाश हिंदुस्तानी के अधिकतर प्रकरण तो इसी बात का प्रकाश करने के लिए हैं कि इस समय अक्षरातीत कहाँ बैठकर लीला कर रहे हैं, और उसका सार तत्व तो भी यही है कि महामती जी के धाम हृदय में बैठकर वो ब्रह्मात्माओं की जागनी कर रहे हैं। जब हम यह मानते हैं कि ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए नहुसी कब, इन तीनों में ब्रह्मलीला भई ब्रज रास और जागनी कहे, ब्रज और रास में भी लीला करने वाले अक्षरातीत हैं, तो जागनी में लीला करने वाले अक्षरातीत नहीं तो कौन है। रू अल्लाह तो जामे पैरसी दूसरे ऊपर मुद्यार, सोई इमाम मेहदी जाकी बुजुर्गी बेसुमार। श्यामा जी ने दो तन धारण किए और दोनों तनों में आवेश स्वरूप से विराजमान होकर राज्य को लीला करनी है। ब्रज रास में जो लीला हुई अक्षर के द्वारा धारण किए कलेवर में अक्षरातीत ने आवेश स्वरूप से विराजमान होकर लीला की, तो उसको तुम अक्षरातीत मान ले रहे हैं। जागनी ब्रह्मांड में जो प्रत्यक्ष रूप से दो तनों में आकर के लीला कर रहा है, उसमें एक को हम सद्गुरु महाराज कह देते हैं और दूसरे को क्या कह देते हैं, उनके शिष्य कि महामती प्राणनाथ पर श्री कृष्ण परमात्मा की कृपा हुई। ये सबसे बड़ी हंसी है। हम मेहर सागर का गोटा लेकर पाठ करते हैं, किस लिए? कि इस पाठ से राजी खुश हो जाएं। निस्बत की पहचान के लिए उन्होंने वाणी दी है, निस्बत की पहचान के लिए सदगुरु धनिष देव चंद जी को तीन बार दर्शन दिया,
महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर परम धाम की वाणी कहें, राज से लेकर क्यामत नामा तक की सारी चौपाइयाँ कहें। किसके लिए? ताकि हमारी अंतर्दृष्टि खुल जाए। कहा जा रहा है कि श्री महामत कहे मेहर हक की रूहों आवे एक नज़र। यदि एक बार भी, एक नज़र का तात्पर्य क्या है, यदि एक बार भी राज्य की मेहर की पहचान हो जाए तो क्या होगा, तो तभी रात को मेट गए। प्रश्न ये होता है कि क्या हमारे अंदर की रात्रि, रात्रि का तात्पर्य क्या है, अज्ञानता का अंधकार, हमारे साथ मेहर होती है लेकिन हम पहचानते नहीं हैं, तो ये तो अंधकार ही कहलाएगा। सतगुरु धनी देवचंद जी के साथ सुंदर साथ रहे, कई जन्म खोए अपना रहे धनी के जमाने में, लेकिन सभी आड़िका लीला में ही तो फंस गए। जो लीला करने वाला है उसको सतगुरु महाराज बना दे रहे हैं, और लीला में जो आकृति देखती है कृष्ण के रूप में, जो वही स्वरूप दर्शन दे रहा है, तो उसको राज्य में उसको कह रहे हैं कि हमारे धाम धनी है। तो जो धाम धनी देवचंद जी के अंदर बैठा है उसकी पहचान क्यों नहीं हो पा रही है? सारी बात को छोड़िए, युगल स्वरूप महामती जी के धाम हृदय में बैठ कर लीला कर रहे होते हैं, सूरत में कुछ सुंदर साथ पहचान कर लिए होते हैं, आरती भी उतारते हैं, लेकिन जैसे जैसे जागने का कारवां आगे बढ़ता है, आप देखेंगे दिल्ली में जाते जाते कईयों के ईमान टकमगाने लगते हैं, उदयपुर में जब फकीरी वेश धारण करना पड़ता है, मंदसौर में कष्ट पड़ता है, औरंगाबाद में कष्ट पड़ता है, इसके पश्चात मिर्गी की बीमारी छा जाती है, तो सुंदर साथ का ईमान पूरी तरह से हिल जाता है। उनको ऐसा लगता है कि यदि राज्य के साथ हम होते तो इतना कष्ट क्यों पड़ता, हमें भिक्षा क्यों मांगनी पड़ती मंदसौर में इतने समय तक, क्या सर्वशक्तिमान अक्षरातीत के सामने औरंगजेब इतना शक्तिशाली है कि हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, उसकी सेना से बचने के लिए हमें वैरागी भेष में छिप करके निकलना पड़ता है, आखिर क्यों? जैसे आजकल कोरोना का भय चल रहा है, आप देखिए हम स्वयं को तो नहीं जानते हैं, इस भय के साए में हम भी जीते हैं, भले ही हमारा ब्रह्मात्मा का तन क्यों न हो। जब पैसे की कमी आती है तो हम दुनिया के जीव जो अरबोंपति हैं खरबोंपति हैं उनको देखकर सोचते हैं कि क्या हम परमधाम की सचमुच ब्रह्मात्मा है जो इस संसार में आए हैं, तो एक एक रुपये के लिए हमें तरसना पड़ता है। यदि हमें कोरोना ग्रसित कर लेता है तो हम सोचते हैं कि हॉस्पिटल में हमारा कैसे एडमिट होने की प्रक्रिया होगी, क्या हम बचेंगे भी नहीं, मौत भयभीत करती रहती है, हम स्वयं को नहीं जानते हैं तो इसलिए भयभीत होते हैं। किंतु मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि यदि आप ब्रह्म सृष्टि हैं तो उपचार ही न कीजिए या कोई भी सतर्कता न बरतिए, ये प्रकृति का संसार है और इसमें प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ता है। किंतु आंतरिक रूप से यदि हम मूल संबंध को जान जाएंगे तो भय हमारे पास नहीं रहेगा। तमे विद्वान न विवाह मृतो आत्मानम धीरम अजरम युवानम। जब हम अपनी अंतर्दृष्टि से जागृत अवस्था में राज्य के स्वरूप की पहचान कर लेंगे, उनकी मेहर की पहचान कर लेंगे, तो हमारी अवस्था ही कुछ और हो जाएगी। ये ठीक है, हम वाणी पढ़ते हैं, हमारा विवेक जागृत होता है, और जब हमारा पूर्ण रूप से ईमान परिपक्व होता है और टूट विश्वास होता है, तो हम दृढ़ता से कह सकते हैं कि माया हमें टिका नहीं पाएगी। लेकिन जब माया प्रबल होती है, कष्ट पर कष्ट आने लगते हैं, तो जब तक हमारी पूर्ण जागृति नहीं हो जाती, जब तक हमारे धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि नक्श सिख तक बस नहीं जाती, हम राज्य के हृदय में डुबकी नहीं लगा लेते, तब तक हमारे हृदय का अंधकार मिट नहीं पाता है। ज्ञान दृष्टि जो जागृति होती है वो अधूरी जागृति होती है। इसके लिए प्रेम का रस चाहिए, और उस प्रेम के रस के द्वारा जब तक हमारे हृदय में युगल स्वरूप की छवि अखंड रूप से दृष्टिगोचर न होने लगे, हम निस्बत की हकीकत और मार्फत को केवल जान भर ही जाने नहीं, केवल शब्द ज्ञान से ही न जाए यथार्थ रूप से पहचान भी जाए कि हम हक में, हक हम में, और हक बिना सब ख्वाब। सच है
इस चौपाई में जो कहा गया है ये परमधाम में भी नहीं मालूम था कि राज्जी मेरे अंदर है, मैं राज्जी में हूँ, हम अरस परस हैं हक के, ये परमधाम में मालूम नहीं था। यही तो बताना था कि तुम रूहे मेरे तन हो, हमारे और तुम्हारे बीच में कोई जुदाईगी नहीं है। रब्द का महाकारण क्या है? सखियों ने समझा कि हम राज्य से अलग हैं और हम इनको रिजाते हैं। अंगना प्रिया प्रियतम का भाव भी तो कहीं ना कहीं दो की भावना खड़ी कर रहा है, एक प्रीतम है और एक उसकी प्रियतमा है। किंतु यह बताना कि सागर और लहर एक स्वरूप हैं, प्रिया भी वही है, प्रियतम भी वही है। अंतरपट खोल देखिए, दो अवत एक नज़र। जो राज्य हैं वही श्यामा जी हैं, जो श्यामा जी हैं वही राज्य हैं, और जो ब्रह्मात्मा का परात्मकता ने वही राज्य है। और पांचवी भूमि में भूमिका में मार्फत की लीला प्रतिदिन होती है, लेकिन अनादिकाल से लीला चल रही है। किसी को भी इस रहस्य का पता नहीं कि हमारे जो परात्म के तन हैं उनमें स्वयं राज्य ही रहते हैं। ये जो मूल मिलावे के थम दिख रहे हैं, चबूतरा दिख रहा है, थंबों पर पुतलियाँ दिख रही है, धरती दिख रही है, आकाश दिख रहा है, वृक्ष दिख रहे हैं, पशु पक्षी दिख रहे हैं, ये कौन है? लीला रूप पदार्थ जितने दिखाई दे रहे हैं सभी राज्य के ही स्वरूप है। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, सभी अक्षरातीत के हृदय का लीला रूप दृष्टिगोचर होने वाला समूह है, जो यथार्थ में उन्हीं का स्वरूप है। आप आम के फल को भले ही न देखिए, आम की पत्ती को सुनकर आप बता सकते हैं कि आम की पत्ती है, जामुन की पत्ती नहीं। यदि पत्ती की सुगंध ये बता सकती है कि ये आम की पत्ती है कि जामुन की पत्ती है या करेले की पत्ती है, तो आप परमधाम में अनादिकाल से लीला करते रहे। लेकिन आपने ये नहीं जाना कि हम सौ लीला अद्वैत के अंग हैं, सौ लीला अद्वैत के स्वरूप हैं, हमारे और राज्य में कोई अंतर नहीं है। यही तो बताने के लिए खेल बनाया गया। और जब जिसने इस रहस्य को जान लिया, केवल ज्ञान दृश्य नहीं व्यवहारिक रूप से, उसके लिए कहा जा सकता है कि उसने अपने हृदय के अंधकार को समाप्त कर दिया है। समाज में एक से एक महान विद्वान है, अच्छे व्यक्तित्व कला में निपुण सुंदर साथ है, जिन्हें वाणी की हजारों चौपाइयाँ भी कंठस्थ है, सैकड़ों बार वाणी का चिंतन मनन भी कर चुके हैं, पाठ पारायण भी कर चुके हैं। लेकिन प्रश्न यह होता है कि व्यवहारिक रूप से यह चरितार्थ कब होगा कि हम हक में, हक हम में और हक बिना सब ख्वाब। हम चौपाई पढ़कर कह सकते हैं, लेकिन जिस दिन यह अनुभूति हो जाए कि राज्य हमारे अंदर है, हमारे अंदर राज्य है, राज्य के अंदर हम हैं, तो ये निस्बत की पूर्ण पहचान तभी मानी जाएगी। इसके पहले क्या होता है, वाणी के ज्ञान से हमारे अंदर अटूट विश्वास होता है कि हर पल हमारे साथ हैं राज्य। लेकिन जरा से कुछ कष्ट होता है, मेहर सागर का गोटा लेकर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भय समाया हुआ है। हम अपने को जीव की दृष्टि से देख रहे हैं तभी यह भय है। इस भय को हटा दीजिए, अपने मार्फत स्वरूप को याद कीजिए, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परात्म। तो परात्म को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठी है। आत्मा के धाम हृदय में स्वयं अक्षरातीत बैठे हैं। इन सुपन देह माफक हक के दिल में किया प्रवेश। जब हमारी आत्मा के धाम हृदय में राज्य हैं, तो फिर भी हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमारे जीव भाव खड़ा हो जाता है, हमारी आंखें अपने इस पंचभौतिक तन को देखती हैं, संसार के संगे संबंधियों को देखती हैं। देखिए, देश में हजारों लोग मर रहे हैं प्रतिदिन, हमें शोक नहीं होता, किंतु हमारे परिवार का संगा संबंधी जब पीड़ित होता है तो हम उदास होते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कि वह हमारा है। यदि अपने सुंदर साथ में से भी कहीं दूर का सुंदर साथ, जो हमारे प्रांत में भी नहीं आता है, हमारे कुल खानदान में भी नहीं आता है, दे त्याग करता है, तो हमें पीड़ा नहीं होती, भले ही उसके अंदर परमधाम की आत्मा क्यों ना हो, क्योंकि लगता है कि वो हमारा नहीं था। और यदि हमारे घर के सभी लोग जीव सृष्टि के हों, तो उनके लिए हम अपनी जान निछावर करने को तैयार होते हैं, क्योंकि लगता है कि हमारे घर के हैं तो ये हमारे हैं। यही तो अनिध है। वाणी क्या कहती है? कर कबीला पार का अंकुर बल सुरधीर। हमें पार के कबीले को करना है,
लेकिन देखा जाए तो हम इस संसार में किस में फंसे हैं? पत्नी पति में फंसी है, पति पत्नी में फंसा है, पिता पुत्र में फंसा है, पुत्र पिता में फंसा है, सखी सखी में फंसी है, मित्र मित्र में फंसे हैं, दादा पोतों में फंसा है, पोता दादों में फंसा है। कुल खानदान में सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आत्मा के संबंध से नहीं जुड़े हैं, शरीर के संबंध से जुड़े हैं, और शरीर के संबंधों को निभाना भी पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि इन संबंधों को ना निभाइए, लेकिन पहले आत्मिक संबंध को प्राथमिकता दीजिए। जिस दिन आपके अंदर से माया की नींद उड़ जाएगी, उस दिन आप केवल आत्मिक संबंध को देखेंगे, चाहे कन्याकुमारी में बैठा हुआ सुंदर साथ हो, चाहे हिमालय की गुफा में बैठा हुआ सुंदर साथ हो, चाहे करोड़पति हो या कंगाल झोपड़ी में रहने वाला, आपको सभी एक नज़र, सब आपकी आत्मिक दृष्टि के सामने समान नजर आएंगे। आप सुख दुख में इनके साथ रहेंगे। आप परिवार का समाज का रिश्ता छोड़कर पहले परम धाम के रिश्ते को पालना चाहेंगे, लेकिन व्यवहार में ऐसा करना बहुत कठिन दिखाई देता है। मैं देखता हूँ सुंदर साथ संसार के रिश्ते को निभाने में प्राथमिकता अपने जीवन की समझते हैं, उनके लिए ही हाय तो वह मचाते हैं, क्योंकि ये माया की नींद हमसे उड़ी नहीं है। भले ही हम वाणी कितना पढ़ें, भले ही चर्चा सुने सुनाएं गाएं बजाएं सब कुछ करें, इसलिए तो राज जी ने छुपाई में कहा है, श्री महामत कहे रूहों हक की, रूहों आवे एक नज़र परमधाम की आत्माओं, जो पल पल तुम्हारे ऊपर मेरी मेहर हो रही है, तुम्हें कभी भी पहचान आज तक हो नहीं पाई। श्री महामत कहे ए मोमिनो, तुम पर दमदम जो वर्तत, सो सब इसका हक का पल पल मेहर करत। राजी हर पल हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, हमारे साथ हर पल जो गुजर रहा है उसमें राजी की कोई ना कोई कृपा है, और राजी की उस कृपा को पाने के लिए हमें मेहर सागर के पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं कहता कि आप पारायण मत कीजिए, कीजिए, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि निस्बत के मूल संबंध की मार्फत को समझना होगा कि हम हक में, हक हमें में, और हक बिना सब ख्वाब। ये केवल कहने से नहीं होगा। अपनी आंखें बंद कीजिए, शरीर से परे हो जाइए, जीव भाव से परे हो जाइए, अपनी परात्म के श्रृंगार में स्वयं को मूल मिलावे में देखिए। आप ये भी भाव लीजिए कि मेरी आत्मा के धाम हृदय में मेरा प्राणेश्वर अपने परम धाम के 25 पक्षों की शोभा के साथ अखंड रूप से विराजमान था, अनादिकाल से ब्रज में भी था, रास में भी था, जागने के इस ब्रह्मांड में भी था, है और अनंत काल तक रहेगा। हो सकता है हमारा शरीर रोगग्रसित हो जाए, किसी कारण से हमारा शरीर छूट जाए, शरीर तो छूटा, हमारी आत्मा के साथ जो अनादिकाल से है वो तो रहेगा ही, फिर भय नहीं रहेगा। हम भयभीत क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी दृष्टि जब शरीर पर जाती है तो मोह घेरता है, क्या हमारा शरीर यह छूट जाएगा? आज नहीं तो कल तो छूटेगा। हम कितना भी रोएं चीखें मेहर सागर के पाठ करें, शरीर छूटेगा, धन संपदा छूटेगी, परिवार के रिश्ते नाते छूटेंगे। जो छूटने वाले हैं हम उनके लिए रोते हैं, चिंतित होते हैं कि ये छूट ना जाए। हम अचानक करोड़पति से कंगाल यदि बन जाते हैं तो मेहर सागर का गोटा लेकर बैठ जाते हैं, पाठ पारायण करते हैं, सबसे सिफारिश करते हैं, कहते हैं कि कह दीजिए राज जी मेहर कर दें। राज जी इस बात पर हंसते हैं कि हमने मूल संबंध को नहीं पहचाना। रूहों आवे एक नज़र, श्री महामत कहे रूहों हक की, श्री महामत कहे मेहर हक की, रूहों आवे एक नज़र। श्री महामती जी के द्वारा मूल स्वरूप पक्षरातीत कहलवा रहे हैं कि परमधाम की आत्माओं, यदि तुम्हें मेरे मेरी कृपा की, मेरी मेहर की एक पलक के लिए भी, एक दृष्टि के लिए भी पहचान हो जाए, तो तभी रात को मेट के जाहिर करे फजर, तो तुम्हारे हृदय से रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाएगा। रात्रि का अंधकार क्या है और फजर क्या है, इस बात को हमें समझना होगा। परम धाम में हर पल राज्य की सानिध्यता रहती है, वहाँ दूरी का प्रश्न नहीं है। राज्य तीसरी भूमिका की पड़साल पर आराम कर रहे हों और परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हौज कोसर में, मानिक पहाड़ में, पुखराज पहाड़ में, तो कोई अंतर नहीं, हर पल राज्य उसके साथ है, दूरी का प्रश्न नहीं है, क्योंकि परमधाम में वियोग की कल्पना नहीं हो सकती। हम इस संसार में चितवनी कितना भी करते हैं, वाणी कितना भी पढ़ते हैं, यह एहसास नहीं होता कि हर पल हमारे साथ है, क्योंकि जीव को आभास नहीं हो पाता, क्योंकि जीव की आंखें बहिर्मुखी हैं और बाहर के जगत को देखता है,
आंखें बंद करता है तो उसके अंतःकरण में, चित मन में जो संसार लाखों जन्मों से बसा है वो चलने लगता है। अंतःकरण से, जीव से परे होकर जब आत्मा परात्म के भाव में नहीं आती, तब तक अटूट जो संबंध है उस संबंध की पहचान कैसे हो सकती है? यही तो अज्ञानता है कि हम पल पल अक्षरातीत को हृदय मंदिर में बसाए बैठे हैं लेकिन आभास नहीं हो पा रहा है। तो तभी रात को मेट के जाहिर करे फजर, यही तो रात्रि है। रात्रि में पास में कोई व्यक्ति होता है फिर भी वो दिखता नहीं है। ब्रज में राजी श्री कृष्ण के तन में लीला कर रहे थे, किसी को पहचान नहीं थी कि हमारे साथ राजी ही लीला कर रहे थे। तभी तो कहा है कि राजी, ब्रज में 11 साल की लीला में जब कहा था कि चलो रास खेलते हैं, सखियों ने क्या उत्तर दिया था? हम पर पुरुष के साथ भला क्यों जाए, हमारे पति तो घर में बैठे हैं। इसीलिए योग माया के ब्रह्मांड में जाने पर श्री कृष्ण के रूप में जब रासलीला प्रारंभ होती है उसके पहले पहला प्रश्न ये होता है कि तुम कहाँ आई हो परमधाम की आत्माओं, तुम्हारे पति तुम्हारी बाट देख रहे होंगे, तुम्हारे बच्चे रो रहे होंगे, तुम उन सबको छोड़कर मेरे लिए क्यों आई हो इस घनी निशा में? तुम्हें भयानक पक्षियों का भय नहीं लगा जो इस वृंदावन में आ गई हो? आप सोचिए, ये प्रेम का उल्लाहना है। पल पल राज्य लीला कर रहे हैं लेकिन किसी को पहचान नहीं, रास में भी सब ढूंढ रही हैं। श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे के बीच में एक पेड़ आ गया था और मैं तो वहीं था। सखियां कहती हैं कि आप बिल्कुल झूठे हो, हमने एक एक टहनी देख डाली है, कहीं भी आप दिखाई नहीं दिए। वो पेड़ क्या है? मेरे और तुम्हारे बीच में एक पेड़ था जिसकी ऊंट में खड़ा था, वही तो एक पर्दा है जो ब्रज में भी था, रास में भी था, किसी को पता नहीं, हमारी आत्मा के हृदय में ही वो प्रीतम रहता है। इस जागने के ब्रह्मांड में न जाने कितनी बार बता दिया कि मैं रह न सकूं रूहों बिन, रूहें रह न सके मुझ बिन, पाव पल साथ की जुदाईगी न सहो। जब ये कह दिया, जो परात्म का ही प्रतिबिंब आत्मा है और परात्म का तन राज्य का ही तन है, तो अलगाव का प्रश्न कहाँ होता है? श्रृंगार के दूसरे प्रकरण में इस तत्व को कितनी बारीकी से समझाया है कि ब्रह्मात्मा के धाम हृदय में ही पूरा परम धाम बसता है, 25 पक्ष बसते हैं, युगल स्वरूप बसते हैं, फिर भी उस प्रकरण को पढ़ने वाली आत्माएं क्या करती हैं? नारियल चढ़ाती हैं, पूजा पाठ परिक्रमा करती हैं, हाथ जोड़ करके मन्नत मांगती हैं, अपनी आत्मा के हृदय में अंतर्दृष्टि नहीं देख पाती हैं कि वो वास्तव में है कौन। आप देखिए, विक्रम संवत 1735 से फजर की लीला प्रारंभ होती है। इसलिए खुलासा वाणी का जब अवतरण होता है तो लिखा है श्री श्री किताब खुलासा वाणी फजर की, सूरज उगना प्रारंभ होता है, इसके पहले अंधेरा था। तो इसका अर्थ यह नहीं कि देवचंद जी के तन से राज्य ने लीला नहीं की, राज्य ने लीला की लेकिन सबके ऊपर एक नींद का आवरण बनाए रखे। जब श्री देवचंद जी चर्चा करते हैं तो रास की रामते होने लगती है, दीवार पर उंगली रख देते हैं, खींच देते हैं तो वहां से यमुना जी का जल प्रकट होने लगता है। सब सुंदर साथ पीते भी, स्नान भी करते हैं, फिर भी एक नींद है कि सबको अपने धाम हृदय में बैठे हुए अक्षरातीत की पहचान नहीं हो पा रही है। देवचंद जी के अंदर बैठे हुए भी राज्य की पहचान नहीं हो पा रही है, वो ब्रज और राज के तनों को ही, नाम को ही सब कुछ माने बैठे हैं। और जागने के ब्रह्मांड में तो हंसी ही हो जा रही है कि जिस तन से परमधाम के 25 पक्षों का वर्णन हुआ, नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा का वर्णन हुआ, उस तन में बैठे हुए युगल स्वरूप को कोई पहचान नहीं पाया और उनको संत महापुरुष कवि और क्या क्या उपाधियों से संबोधित किया जाता है, आज भी हो रहा है। और आजकल तो कुछ जानबूझ करके ही किया जा रहा है कि हम प्राणनाथ जी को कितना छोटा बना सकते हैं। आप सोचिए कितनी निद्रा है। 1735 से भी पहले वाणी उतरी है, रास उतरी है, प्रकाश, खटुति, कलश, किरंतन के कई प्रकरण उतरे हैं, फिर भी नींद है। 1735 के पश्चात वाणी का अवतरण होता है, सूरज उगने लगता है, रात्रि का अंधकार भागने लगता है। अब कहा है
दसवीं ईसा, ग्यारहवीं इमाम, बारहवीं सदी फजर तमाम। ग्यारहवीं सदी में इमाम मेहदी का प्रकटन होता है। ग्यारहवीं सदी 1745 में पूर्ण होती है। मारिफत सागर अवतरित होता है 1748 में। किंतु जब फजर की लीला प्रारंभ होती है उसमें खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार इन चार किताबों का अवतरण होता है जिनको तारतम का तारतम कहते हैं। इन चार किताबों के द्वारा यहीं बैठे बैठे परम धाम की आत्माओं को नख से सिख तक युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का पता चलता है। और शिव जी के साथ जो 5000 की जमात आई होती है उसमें 500 ब्रह्म सृष्टि होती है, 1500 ईश्वरी सृष्टि होती है, 3000 जीव सृष्टि भी होती है, सबको उनकी कथनी करनी रहनी के अनुसार सुख मिलता है। 500 ब्रह्म सृष्टियों में से एक भी सुंदर साथ ऐसा नहीं था जिसने यहीं बैठे बैठे युगल स्वरूप का दर्शन न किया हो, 25 पक्षों का दर्शन न किया हो। ईश्वरी सृष्टि को भी दर्शन का सुख मिलता है, जिस सृष्टि को भी कुछ न कुछ सुख मिलता है, सबको ऐसा लगता है कि राजी हर पल हमारे साथ है। इसलिए 1748 में मारिफत सागर अवतरित हुआ। मारिफत सागर का तात्पर्य क्या है? मारिफत के ज्ञान का सागर, पूर्ण पहचान मारिफत सागर के द्वारा दी जाती है कि यह जो श्रृंगार की वाणी अवतरित कर रहा है, सागर की वाणी अवतरित कर रहा है, इसको तुम मेहराज के रूप में मत देखो। ये माया अमल उतारे श्री महामत, मेरा टोने ही को आकार, इसी तन के का तो पर्दा कर लिया और खुला असा में तो संकेत भी कर दिया कि महामती जी के धाम हृदय में कौन बैठा है, स्वयं अक्षरातीत रास से ये कहते आ रहे हैं कि महामती जी के धाम हृदय में मैं बैठ कर लीला कर रहा हूँ। तेहज वाणी ने तेहज चर्चा, प्रेम तड़ी रसाल, लेकिन सबकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। साथ रह रहे हैं मंदसौर में, औरंगाबाद में, रामनगर में, पन्ना जी में भी आ गए, फिर भी नींद नहीं उड़ रही है, ये सबसे बड़ी हंसी का कारण है। तभी एक किरणतन उतरते हैं, साथी जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, कर कर वाणी सुनाई तुमको किए जो खलक खुआर। यदि इस ब्रह्मवाणी का हम चिंतन करते हैं, अपनी आत्मा के धाम हृदय में बैठे हुए उस प्राणेश्वर को देखते हैं जो मूल मिलावे में सिंहासन पर बैठा है, जो आवेश स्वरूप से ब्रज में लीला किया, जो रास में लीला किया, जो श्री देवचंद जी के तन में लीला किया, वही तुम्हें उतर आए अरसे ही, तो तुम्हें क्यों मिलाप, तुम्हें दई सुदर्श की जो अर्श में हो आप, वो वही महामती जी के धाम हृदय में भी बैठ कर लीला कर रहा है। उसमें और मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, जब और हमारे और उसमें भी कोई अंतर नहीं है, हम उसके अंदर है, वह हमारे अंदर है। पहली बात तो यह है, सुंदर साथ को तो इतना भी पता नहीं होता कि हमारे और राजी का संबंध क्या है। हमारे यहाँ एक सिफारिश की परंपरा चल पड़ी है, किसी बड़ी हस्ती के पास जाकर कहेंगे कि आप कह दीजिए तो राजी सुन लेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, सुनी अवश्य जाएगी, किंतु वो बड़ी हस्ती जिस भाव से, जिस तन्मयता से कह रही है, आप भी उसी भाव से कहिए। आप माया में लिप्त रहेंगे, राजी से प्रेम बिल्कुल नहीं कहेंगे करेंगे, और चाहे कि राजी आपके एक बार कहने से सारी बात मान ले, कभी भी संभव नहीं है। आप जिस महापुरुष के चरणों में जाकर आप सिफारिश करते हैं, उसकी रहने को अपनाइए, उनकी तरह ही चितवनी कीजिए, उनकी तरह ही अटूट विश्वास रखिए, तो तहकीक अर्ज पहुँचते हैं जो भेजिए पाक दिल, तो आपकी भी बात पूरी तरह से सुनी जाएगी। आपको 20 रुपये का नारियल नहीं चढ़ाना पड़ेगा, या बागे नहीं चढ़ाने पड़ेंगे, मिठाई का पैकेट नहीं चढ़ाना पड़ेगा। राज्य तो दिल चाहते हैं, अटूट विश्वास चाहते हैं, अटूट समर्पण चाहते हैं, अटूट प्रेम चाहते हैं, वो आप करना नहीं चाहते। आप पैसे से राज्य को खरीदना चाहते हैं कि देवी के मंदिर में गए, चलो नारियल चढ़ा दिया, मिठाई का पैकेट चढ़ा दिया। राज्य कोई देवी देवता नहीं है। यदि आपने परम धाम से अपने संबंध को जोड़ा है, अपने जीव में अंगना भाव भरा है, अपनी आत्मा के अंदर परात्म का भाव भरा है, तो परात्म की ही दृष्टि से आप राज्य को देखिए, तो आप अपने को समझ पाएंगे, तभी आपके अंदर की नींद मिटेगी, इसके पहले नहीं। आप भले ही प्रतिदिन सैकड़ों चौपाइयों का पाठ कीजिए, हजारों चौपाइयों का पाठ कीजिए, धारा प्रवाह बोलते रहिए, कंठस्थ कर लीजिए, कई भाषाओं में व्याख्यान दे दीजिए, किंतु जब तक व्यवहार में यह चरितार्थ नहीं होगा कि हम हक में, हक हम में और हक बिना सब ख्वाब,
तब तक आप ये बात नहीं कर सकते हैं कि हमारे अंदर क्या अंधकार मिट गया है, हमारी रात्रि मिट गई है। रात चल रही है, ब्रज में जैसी थी रास में कुछ निद्रा थी, कुछ जागृति थी। देवचंद जी के तन से होने वाली लीला में भी निद थी, और तो 1735 से पहले भी निद्रा थी। धीरे धीरे सूरज उगता है, मारिफत का सूरज लालिमा से लालिमा छा जाती है, सूरज उगने लगता है। दोपहर में तो उसके तेज को सहना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से 1748 में दोपहर का सूरज चमक रहा था मध्यान्ह काल में, जिसके तेज को सहन करना संसार के लिए संभव नहीं था। अब एक सुई भी एक छोटी सी चींटी भी रेंगती है तो पता चल जाता है जब नींद का जब समय होता है। ब्रज में तो पास से गुजर जाने पर भी पहचान नहीं हो रही थी। सतगुरु धनिष देवचंद जी के तन से 1712 तक जो लीला चल रही थी वो तो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान की लीला थी। पास से कोई गुजर जा रहा है तो पता चल रहा है कि कोई जा रहा है, लेकिन चेहरा कैसा है ये तो बहुत नज़दीक जाने पर ही पता चलता था। बगल से चींटी गुजर रही है तो दिख नहीं रही थी जमीन पर। यही कारण है कि गादीवाद की परंपरा पड़ गई। यदि सुंदर साध को मूल स्वरूप की पहचान हो गई होती, अपने आत्मा के मूल संबंध की पहचान होती, तो गादी में राज्य को नहीं खोजता। और आज तो वाणी के अवतरण हुए 300 वर्षों से ज़्यादा समय बीत गया, फिर भी आज गादी में राज्य को खोजा जा रहा है। गादी को बनाया किसने? एक कारीगर ने ही तो बनाया है। हमारी आत्मा का सिंहासन जो अक्षरातीत का अखंड सिंहासन है, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। हम अपनी आत्मा के सिंहासन पर अपने प्राणेश्वर को बसा नहीं पाते, उस पर देखने का प्रयास नहीं करते। 300 वर्षों से यही शिक्षा दी जा रही है, अमुक गादी की महिमा यह है, अमुक गादी की महिमा यह है। आत्मा का धाम हृदय अखंड गादी है, अखंड सिंहासन है, उसकी महिमा क्यों नहीं बताई जाती? चितवनी की महिमा क्यों नहीं बताई जाती कि चितवनी से अपने को जीव भाव से शरीर भाव से परे कीजिए, संसार से परे हो जाइए, अपने प्राणेश्वर को अपनी आत्मा के धाम हृदय में देखिए। आप देखिए जो परम धाम मूल मिलावे आला है, जो ब्रज में था, जो रास में था, जो श्री देवचंद जी के तन में था, जो महामती जी के धाम हृदय में बैठ कर लीला कर रहा है, मूल संबंध से आपके धाम हृदय में भी बसता है। इस भेद को मिटा दीजिए, और जब ये कथनी करनी से पूर्णतः अलग होकर के रहनी में ये बात आ जाएगी कि हम हक में हक हम में, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपने राज्य की मेहर को अब पहचाना है। सपने में कुछ देख लिया तो इसका अर्थ नहीं कि बातिनी मेहर है, ये है लेकिन वास्तविक नहीं। राज्य की झलक भी मिल गई तो भी ये बातिनी मेहर है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। आप मेहर के जानने वाले तब कहलाएंगे जब निस्बत की मारिफत को समझ जाएंगे कि हमारे अंदर प्रीतम है, प्रीतम के अंदर हम हैं, और हर पल केवल बौद्धिक दृश्य नहीं आंतरिक दृश्य उसी भाव में खोए रहेंगे। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि बंदा बैरागी को काटा जा रहा है, उस शरीर को उसको लग रहा है कि नहीं मेरा शरीर कट रहा है ना, मैं थोड़े कट रहा हूँ। हम भी मृत्यु से भी ना डरें, गरीबी में भी दुखी ना हो, मान अपान सभी परिस्थितियों में हम सम दृष्टि रखते हुए समत्व भाव से दृष्टा भाव से देखते रहें, और हमारी नज़र केवल इस बात पर हो कि हमारा प्राणेश्वर हर पल हमारे साथ है, एक पल के लिए न कभी जुदा हुआ, न था, न है, न कभी होगा। लेकिन लगता है मेहर सागर के गोटा पढ़ते पढ़ते हमारी उम्र गुजर जाती है, 50 वर्ष बीत जाते हैं, हम मेहर को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए इस चौपाई में विशेष बात कही गई है, श्री महामत कहे मेहर हक की, रूहों आवे एक नज़र, तो तभी रात को मेट के जाहिर करे फजर। वह ब्रह्मात्मा ये प्रत्यक्ष रूप से ये प्रकट कर देगी, जाहिर कर देगी कि हाँ अब मेरे हृदय में फजर का उजाला, परम धाम की जान का वास्तविक प्रकाश हो गया है, जिसको हमने व्यवहार में चरितार्थ कर लिया है। हम राज्य से कभी न तो अलग थे, न हैं और न कभी होंगे। हम संसार के देवी देवताओं की भक्ति करने वाले नहीं हैं कि गोटा प्राण कर लें, मेहर सागर का गोटा पढ़ लें, परिक्रमा कर लें, पूजा पाठ कर लें। अरे भाई कीजिए, बच्चों से कराइए, मैं कब मना करता हूँ कि मत करो, लेकिन पहचान भी तो रखो। जिसके लिए आप
बार बार मत्था टेक रहे हो, बार बार हाथ जोड़ रहे हो, बार बार नारियल चढ़ा रहे हो, यह तो सोचो आप उसके कौन हैं। आपके अंदर तो वो स्वयं बैठा है। वह तो कहता है कि मैं देखत तुम्हारी राह, तुम माया का संसार छोड़कर कब आओगे, मैं तुम्हारी बाट देख रहा हूँ। और हम यहाँ के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ की धन संपदा के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ की पद प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने प्राणेश्वर को अपने हृदय मंदिर में नहीं देखते, इसलिए वाणी पढ़ने पर भी हमारे हृदय में अज्ञानता का अंधकार है, नींद है। चितवनी भले ही हम कर रहे हैं तो क्या अभी हमारे अंदर युगल स्वरूप की छवि अखंड रूप से बसी नहीं है, इसलिए हम राग द्वेष के बंधनों में है, क्रोध अहंकार के बंधनों में है, और हम अक्षरातीत के मूल संबंध को नहीं पहचान पा रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है हमारे हृदय में अभी भी अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है। यदि सुंदर साथ इस चौपाई को समझ लेंगे तो समझ लीजिए उनके जागने का मिशन पूरा होगा।